वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और वृश्चिक राशि वालों, देवों के देव भगवान महादेव जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं कि भगवान आपको इतना धन दौलत दे ताकि जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 1:59 बजे के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, यह शुभ संकेत आपको बनाएगा करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह शुभ संकेत आपको करोड़ों का मालिक बनाएगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी किस्मत 1000 गुना तेज चमकेगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जानकारी के लिए हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अब आपके जीवन काल में सभी प्रकार के दुख दर्द, सभी प्रकार के परेशानी खत्म होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उस मूल मंत्र के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको कोई नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आपने बहुत देखा होगा, इस तरह के वीडियो हर रोज बनते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो बात हम आपको बताने वाले हैं, जो जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं, शायद आपको किसी ने नहीं दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज की यह वीडियो सबसे हटकर है और सबसे अलग है। इस प्रकार से एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता कि यह शुभ संकेत आज दोपहर 1:59 बजे के बाद भिखारी से महाभिखारी को भी राजा बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंसान रातों रात गरीब से अमीर बन जाती है, रातों रात करोड़पति से महाकरोड़पति बन जाती है। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार इस राशि के जातकों के साथ होने वाला है, इसलिए आप अपना थोड़ा सा समय जरूर दीजिए और आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिए। जी हाँ, हम आपको पूरी यकीन दिलाते हैं, फुल गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी और जो ज्ञान, जो जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर प्राप्त होने वाली है, जानकर आपका दिल और दिमाग दोनों गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव जी के और माता रानी का आशीर्वाद अपने जीवन काल में हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज दोपहर 1:59 बजे के बाद वो कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन कौन से शुभ संकेत मिलेंगे जिससे आप अमीर बनने वाले हों। वृश्चिक राशि वालों, जी हाँ, अगर आज के दिन आपको कोई मौका मिले तो आप उस मौके को जाने मत देना, क्योंकि दोस्तों ये मौका आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है और ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सोच से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे, आपकी वाणी की मधुरता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आपको इतना ध्यान रखना है कि अत्यधिक लाभ के चक्कर में छोटे मोटे अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना। जी हाँ, और कार्यक्षेत्र में आप अपने कामों से अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे, लड़ाई झगड़े के आसार बन रही है, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, लोग बेवजह आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आज आपको सावधान रहना होगा क्योंकि आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होगी,
ऐसे सिचुएशन में लोग आपसे जलने की कोशिश करेंगे और बेवजह बात विवाद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जितना सावधान रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए धैर्य बनाए रखने के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके कुछ शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जी हाँ, लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएंगे। यदि किसी से कोई वादा करें तो उसे समय पर पूरा करें। आपको लेन देन के मामले में अपनी बात को लोगों के सामने रखनी होगी, नहीं तो वो आपको झूठा साबित कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, न्याय मामलों में आज आप थोड़ी सावधानी बरतें और जिम्मेदारियों से किसी भी काम को करना आपके लिए बेहतर रहेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मुलाकात करने आ सकता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जी हाँ, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। किसी बड़े लक्ष्य को पकड़कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा और उसी में आपको सफलता मिलेगी। आप कुछ वरिष्ठ जनों से मिलकर अपनी किसी समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगे, जी हाँ। कारोबार कर रहे लोग अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो किसी दुर्घटना होने के भय सता सकता है। जी हाँ दोस्तों, खासकर अगर आप खुद का वाहन प्रयोग कर रहे हैं तो ज़रा सावधानी पूर्वक चलिएगा, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको व्यवसाय में कुछ अच्छा लाभ मिले, आपका मन प्रसन्न रहेगा और नौकरी में कार्यरत लोगों की पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको कुछ महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी शिक्षा पर पूरा ध्यान दें और इधर उधर के कामों में ना लगें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा और किसी मित्र की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का पूरा लाभ उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है और आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी और कुछ धार्मिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी साख चारों ओर फैलेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी बड़े लक्ष्य के चक्कर में किसी छोटे को हाथ से न जाने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साझेदारी में किसी काम को करने पर आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे आप अपने कुछ पुराने कर्ज भी उतारने में सफल रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज आप धन कहीं इधर उधर निवेश करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन धन के निवेश ना करें, नहीं तो धन आपका डूब सकता है। जी हाँ, अगर आपने पहले अपना धन कहीं पर लगाया हुआ था या किसी को आपने उधार दिया था तो वह धन आज के दिन आपको मिल सकता है। जी हाँ, उसके लिए आज आप तत्पर रहें। आज का दिन आपके स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है, कुछ नरम रहने वाला है। जी हाँ, आप उसमें लापरवाही करने से बचें और अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। जितना हो सके घर का ही बना हुआ शुद्ध भोजन करें, बाहर के फास्ट फूड से तो आप परहेज करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई भी जोखिम भरा काम ना करें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ, और आपके लिए एक सुझाव का स्वागत होगा और अकस्मात लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और सोच विचार करके आगे बढ़ें और आपको अपने परिजनों का साथ मिलेगा और सहयोग भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप छोटे मोटे अवसरों को पकड़ कर चलेंगे तो आज आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि बड़े अवसरों के चक्कर में छोटे को नज़रअंदाज ना करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आप
बहुत से अवसरों को यूं ही हाथ से गवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। जी हाँ, अगर आज के दिन आपको कोई मौका मिले तो आप उस मौके को जाने मत देना, क्योंकि दोस्तों ये मौका आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है और ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सोच से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपकी वाणी की मधुरता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आपको इतना ध्यान रखना है कि अत्यधिक लाभ के चक्कर में छोटे मोटे अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना। जी हाँ, और कार्यक्षेत्र में आप अपने कामों से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। लड़ाई झगड़े के आसार बन रही है, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। लोग बेवजह आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आज आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपकी कामयाबी आपकी तरक्की एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में लोग आपसे जलने की कोशिश करेंगे और बेवजह बात विवाद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जितना सावधान रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सितारे कहते हैं, आज का दिन आपके लिए धैर्य बनाए रखने के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके कुछ शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएंगे। यदि किसी से कोई वादा करें तो उसे समय पर पूरा करें। आपको लेन देन के मामले में अपनी बात को लोगों के सामने रखनी होगी, नहीं तो वो आपको झूठा साबित कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, न्याय मामलों में आज आप थोड़ी सावधानी बरतें और जिम्मेदारियों से किसी भी काम को करना आपके लिए बेहतर रहेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मुलाकात करने आ सकता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जी हाँ, क्योंकि भाग्य आपके साथ है, किसी बड़े लक्ष्य को पकड़कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा और उसी में आपको सफलता मिलेगी। आप कुछ वरिष्ठ जनों से मिलकर अपनी किसी समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगे। जी हाँ, कारोबार कर रहे लोग अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो किसी दुर्घटना होने के भय सता सकता है। जी हाँ दोस्तों, खासकर अगर आप खुद का वाहन प्रयोग कर रहे हैं तो ज़रा सावधानी पूर्वक चलिएगा, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको व्यवसाय में कुछ अच्छा लाभ मिले, आपका मन प्रसन्न रहेगा और नौकरी में कार्यरत लोगों की पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको कुछ महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी शिक्षा पर पूरा ध्यान दें और इधर उधर के कामों में ना लगें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा और किसी मित्र की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का पूरा लाभ उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है और आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी और कुछ धार्मिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी साख चारों ओर फैलेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी बड़े लक्ष्य के चक्कर में किसी छोटे को हाथ से न जाने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साझेदारी में किसी काम को करने पर आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे आप अपने कुछ पुराने कर्ज भी उतारने में सफल रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज आप धन कहीं इधर उधर निवेश करने के बारे में प्लान कर रहे हैं,
तो आज का दिन धन के निवेश ना करें, नहीं तो धन आपका डूब सकता है। जी हाँ, अगर आपने पहले अपना धन कहीं पर लगाया हुआ था या किसी को आपने उधार दिया था, तो वह धन आज के दिन आपको मिल सकता है। जी हाँ, उसके लिए आज आप तत्पर रहें। आज का दिन आपके स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है, कुछ नरम रहने वाला है। जी हाँ, आप उसमें लापरवाही करने से बचें और अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। जितना हो सके घर का ही बना हुआ शुद्ध भोजन करें, बाहर के फास्ट फूड से तो आप परहेज करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई भी जोखिम भरा काम ना करें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ, और आपके लिए एक सुझाव का स्वागत होगा, और अकस्मात लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और सोच विचार करके आगे बढ़ें, और आपको अपने परिजनों का साथ मिलेगा और सहयोग भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप छोटे मोटे अवसरों को पकड़ कर चलेंगे तो आज आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि बड़े अवसरों के चक्कर में छोटे को नज़रअंदाज ना करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आप बहुत से अवसरों को यूं ही हाथ से गंवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। जी हाँ दोस्तों, अब आपके घर में पैसा भी रुकेगा और सुख शांति भी बनी रहेगी। उसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर में रोजाना श्री अष्ट लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करें। इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और फिर आपको माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर सुखमय वृद्धि आगमन होगा और जीवन सुखमय हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो आगे और भी गंभीर होने वाली है। आपको और भी क्षेत्रों में बताएंगे, किस क्षेत्रों में लाभ होगा, क्या सावधानियां बरतनी है, बहुत कुछ गहरे राज भी बताएंगे। बिल्कुल अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप किसी बड़े लक्ष्य के चक्कर में छोटे की ओर ध्यान नहीं देंगे, जिससे आपको समस्या हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कुछ भी हो जाए, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। आपको किसी आर्थिक मामलों में जीत मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ, कामकाज की तलाश कर रहे लोगों को आज सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ, किसी की सुनी सुनाई बातों में अभी आप लगने का प्रयास ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। अपने परिजनों से मुलाकात होगी, आपको शासन व सत्ता का भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा से लोगों को हैरान करेंगे और विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी समय बर्बादी होने की संभावना बन रही है। आपको जितना हो सके अपने लक्ष्य पर ही समय व्यतीत करें, अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे और आपको आने वाले समय में एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपके पूरे फैमिली, घर के माता पिता, सभी लोग आपकी सराहना करेंगे, सभी लोग खुश होंगे। इसलिए दोस्तों, आप जितना हो सके अपने कैरियर पर, अपने भविष्य पर जो है अपना समय व्यतीत करें और अपना उसी में ध्यान फोकस करें, ये आपके लिए उचित होंगे। समय कुल मिलाकर मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आप अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलने से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे आज के दिन। जी हाँ दोस्तों, आप यदि किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं तो उसके पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें। आप अपनी सुख सुविधाओं के कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकती हैं। जी हाँ, जिसमें आपको अपने बजट को ध्यान में रखकर चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें आज सावधानी बरतनी होगी। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आपका कोई विरोधी, आपका कोई जो है दुश्मन,
आपकी बातें इधर उधर फैला सकता है, उनसे अभी आपको सावधान रहना होगा। गुप्त बातें, सीक्रेट बातें एक दूसरे से शेयर करने से बचिएगा, यही आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपकी किसी मन की इच्छा पूर्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में भी आपकी पूरी आस्था बढ़ेगी, आप सभी को जोड़ने में कामयाब रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ कामों में आप पूरा फोकस बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको आय बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आध्यात्मिक कार्य के प्रति पूरी रुचि दिखाएंगे। आपको एक से अधिक स्रोतों से धनलाभ प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, तभी उसका समाधान मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा नरम रहने वाला है, आपको अपने सेहत के प्रति लापरवाही करने से बचना होगा। आप किसी भी शारीरिक कष्ट को आज के दिन नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जान है तो जहान है, इस बात को अपने ध्यान में आपको सेट कर लेनी है, बिठा लेनी है, नहीं तो आगे चलकर आप ही को समस्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी की सलाह पर चलेंगे तो वो आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। जी हाँ, आप अपने माता पिता की बात को ध्यान से सुनना होगा और उस पर अमल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है, आप अपने दैनिक खर्च निकालने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, अगर आज आप नए कार्यों की शुरुआत करने चाह रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें, आपको कामों में गारंटी के साथ सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये उपाय आपकी जिंदगी को हीरे की तरह चमका सकती है। जी हाँ दोस्तों, सप्ताह में किसी भी दिन सुबह उठने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको मंदिर में जाना है और एक ताला, एक चाबी बिना खोले आपको मंदिर में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, और आपको वहाँ से चले आना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि उस ताले को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, जैसे कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये चमत्कारिक उपाय बहुत ही कारगर है, एक बार आजमाकर जरूर देखिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। दोस्तों धन्यवाद, दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।